तो आज हम लोग डायमेंशन जो फाइंड करने वाले हैं, ये एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका जो डायमेंशन है, ये तो पहले फार्मूला यहाँ पर देख लीजिए, ये फार्मूला यूज होने वाला है, क्यू इक्वल टू एम मतलब आपका मास हो गया, एल से मतलब टी, और टी मतलब टेम्परेचर, टी टू माइनस टी वन डेल्टा। उसके बाद सी इक्वल टू, ये हम अगर सी वाला जो यहाँ पर देखते हैं, ये सी आपका सी को रिप्रेजेंटेशन करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से, ठीक है। तो यहाँ पर सी इक्वल टू क्यू अपॉन एम, एम अपना ये सी इधर आ जाएगा तो चार्ज ऊपर चला जाएगा, तो जब चार्ज ऊपर जाएगा तो ये जो मास है और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर हमारा नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो ये चार्ज है, चार्ज का फार्मूला होता है न्यूटन मल्टीप्लिकेशन बाई मीटर। अब न्यूटन जो मीटर यहाँ पर है, इसको हम लोग केजी में कह सकते हैं, और ये टी स्क्वायर टी माइनस टी स्क्वायर वाला जो फार्मूला है ये टेम्परेचर में होगा। तो टेम्परेचर का जो होता है यूनिट वो है केल्विन। तो आखिरी में हम लोग जब डायमेंशन निकालेंगे तो केल्विन के बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से हमको डायमेंशन फाइंड करना है। तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए अब यहाँ पर आप देखते हैं न्यूटन का जो वो होता है यूनिट केजी हो गया, केजी के बाद यहाँ पर ये एम अपान हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर आपका मीटर ऑलरेडी हमारे पास है ऊपर में, आप के जी अपान टेम्परेचर है, तो के जी को हम लोग के जी एज इट इज लिखेंगे क्योंकि अब इसको आखिरी हम लोग लेंथ में कर लेंगे। उसके बाद अपना टेम्परेचर का केल्विन होता है, तो केल्विन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग थोड़ा आगे, इसके बाद जब आगे जाएंगे तो यहाँ से हम लोग को अपना मिल जाएगा लेंथ, अब ये कट जाएगा, फिर ये जो मीटर है ये अपना लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ ये इसका मल्टीप्लाई इसमें ये मीटर स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद सेकंड को हम लोग किसे मेजर करते हैं, टाइम में, तो टाइम का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये सेकंड है ये सेकंड होल स्क्वायर है, तो ये टाइम में चला जाएगा, तो टाइम का टी स्क्वायर। उसके बाद अपना ये जो के है ये ऊपर जाके के माइनस वन में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन होगा एम, जो मास है ये लेंथ में होगा, तो एम जीरो एल स्क्वायर टी स्क्वायर के माइनस वन।